महोदय, संपत्ति के मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि 150 रुपया पाने वाला गरीब आदमी जो पोस्ट ऑफिस में जमा कराता है वह भी उसका संपत्ति का अधिकार है, और उसके इस अधिकार को आप क्यों छीनना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस अधिकार का फ़ायदा किसने उठाया है? क्या उस आदमी ने जिसके पास 150 रुपये की आमदनी है या जिसकी 150 रुपये की बचत है उसको कुछ फ़ायदा मिला है, या उन लोगों को फ़ायदा मिला है जो पूरे देश में 75 परिवार हैं और जिनका देश की 40% दौलत पर कब्जा है? अगर उसका फ़ायदा उन लोगों को मिला है जिन्होंने देश की 40% पर कब्जा कर रखा है, तो हमें निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार करना होगा और हमको संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में से निकालना होगा और रोजगार को मूलभूत अधिकारों में शामिल करना होगा, ताकि सरकार की जिम्मेदारी हो कि वह इस तरह की योजनाएं बनाए जिसमें सबको रोज़गार मिल सके, और नहीं तो उन लोगों को बेरोजगारी का भत्ता देना पड़े। तभी हमारा दृष्टिकोण इस दिशा में सही बन सकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप देखें कि आज क्या स्थिति है। आज स्थिति यह है कि आज एक आदमी खेती भी करता है, वह आदमी वकालत भी करता है, और वह आदमी बिजनेस भी करता है, वही आदमी संसद का सदस्य भी हो सकता है, और उसके साथ वह 10 धंधे कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरी तरफ 20 करोड़ आदमी ऐसे हैं कि जो गरीबी की न्यूनतम सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो इन दो स्थितियों में हमें तुलना करनी पड़ेगी कि क्या संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम इन निरीह लोगों को छोड़ दें कि जो देश के असली नागरिक हैं। अगर हम उनको नहीं छोड़ना चाहते तो हमको निश्चित रूप से एक बात करनी पड़ेगी और अपने देश में इस प्रकार के कानून बनाने पड़ेंगे, इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिसमें एक आदमी को एक ही रोज़गार हो, उससे अधिक नहीं, और उसमें उनको पेट भरने लायक दाम मिलना चाहिए। आज तो हमें न्यूनतम आवश्यकताएं चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है, आराम नहीं चाहिए। उनको तो आज कपड़ा मिल जाए, रोटी मिल जाए, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिल जाए। यदि हम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें तभी हम देश को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जिस आदमी के पास पैसा है, जिसके पास साधन है, उसको छूट है कि वह चाहे जितना पैसा कमाए, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास श्रम शक्ति है, जिसके पास केवल उसके हाथ पैर हैं, वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसके लिए सरकार के पास कौन सी योजनाएं हैं और वह उन योजनाओं को कैसे लागू करना चाहती है। जब हम इस स्थिति पर विचार करें तो हमें इस बात के बारे में निश्चित रूप से विचार करना होगा और यह ध्यान देना होगा कि हम सरकार के ऊपर जोर डालें कि इसका निदान इस तरह का हो जिससे रोज़गार देना उसका एक ऐसा कर्तव्य बने जिससे वह बच के ना निकल सके। जब यह अधिकार हमारा होगा
तभी सरकार अपनी योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में बात सोचेगी। तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति है इसके संबंध में हमें विचार करना ही होगा। हमने देखा कि निजी क्षेत्रों को राहतें दी गई हैं। निजी क्षेत्र की स्थिति यह है कि वह रोजगार दे नहीं सकता। अब हम उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं। उसके संबंध में जो सर्वेक्षण हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उसके अनुसार जितनी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, सुधार होते हैं, उनका परिणाम यह होता है कि जो लोग काम में लगे हुए हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं हो जाती हैं, उनके लिए आराम हो जाता है। लेकिन उसका दूसरा परिणाम यह होता है कि नए रोजगार के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह जो आर्थिक समीक्षा है इस पर हमें सही दिशा में सोचना पड़ेगा और हमें अब यह मानना पड़ेगा कि अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि जो मूलभूत अधिकार हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं उन पर हम दूसरी तरह से नज़र डालें। आज तक हमने संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में माना है। मेरा कहना यह है कि यह भी एक कारण है, बड़ा कारण है, जिससे हमारी दिशा, हमारे दृष्टिकोण को बदलने में सहायता मिली है। यह जो आज़ादी हमारी आई है, हमारे देश में आई है, सभापति महोदय, यह नहीं है कि इस आज़ादी के लिए बहुत भारी बलिदान किए गए। लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत संघर्ष किए और उसके बाद हमें आज़ादी मिली है। लेकिन इसके साथ साथ यह बात भी सही है कि आज़ादी समझौते की आज़ादी भी थी, और जब हमको समझौते से आज़ादी मिली तो हमें कई बातों पर समझौता करना पड़ा। जो संपत्ति का अधिकार हमें मिला वह उस समझौते में से एक है। हमने जो समझौते उस वक्त किए थे उन पर पुनर्विचार किया, चाहे वह राजाओं के पूर्वी पर्स का समझौता हो, चाहे वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे ICS अफसरों को दी जाने वाली सुविधाएं हों, इन सवालों पर हमने पुनर्विचार किया है और पुनर्विचार के बाद हमने उन सुविधाओं को वापस लिया है। इसी तरह से संपत्ति का अधिकार है जिसको अक्षुण रखने के लिए सरकार ने इजाज़त दी है, परंतु जब सरकार उसके बारे में कानून बनाती है तो वे इस तरह की स्वतंत्रता नहीं होती और कहा जाता है कि हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एक तो यह कि बोनस एक्ट में जो कम से कम 4% देने का प्रावधान है उसके संबंध में 1965 से आज तक यह एक्ट बनने के बाद स्वयं मंत्री जी को यह अनुभव हुआ होगा और वह स्वयं इस बात को महसूस करते होंगे कि इस 4% की राशि को और ज़्यादा बढ़ा करके कम से कम 10% पर आना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है गलत बैलेंस शीट तैयार की जाती है कंपनियों में मालिकों के द्वारा हमेशा।